स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक हैगा थ्रेड एक्सेप्शंस। आप मल्टी थ्रेडिंग का चैप्टर कर रहे थे तो हूँ आप अगला चैप्टर हैगा थ्रेड एक्सेप्शन। सो नोट दैट कॉल टू स्लीप मैथड इज इनकलोज्ड इन ट्राई ब्लॉक। आप देखिए जरा स्लीप मैथड हैगा वह कि ट्राई कैच है, क्योंकि स्लीप मैथड है ना एरर थ्रू करता है, तो एक केड़ा एरर थ्रू करता है इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। इसलिए इनू ट्राई ब्लॉक किया है ताकि बाद चो वो कैच हो जाए तो अपना जरा प्रोग्राम है बिच रुके नहीं, है ना। नैक्सट इज थ्रेड प्रायोरिटी। हम आप थ्रेड की प्रायोरिटी सैट कर सकते हैं, जिमें एक टाइम से अगर आपने पांच थ्रेड्स रन करते तो हायर प्रायोरिटी वाला थ्रेड पहला रन होंगे है, तो लो प्रायोरिटी वाला बाद चो रन होंगे। इसलिए वो प्रायोरिटी जी है आप थ्रेड की सैट कर सकते हैं कि वो वास्ते मीन प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी, तो मैक्स प्रायोरिटी कोई मर्जी कर सकते हैं। मीन प्रायोरिटी मतलब 1 और मैक्स प्रायोरिटी मतलब 10 और नॉर्मल प्रायोरिटी 5 होंगी है। जरा इंटीजर नंबर आप दे सकते हैं दैट इज़ 1 to 10, ठीक है। सो फॉर अ थ्रेड ऑफ लोअर प्रायोरिटी टू गेन कंट्रोल 1 कैन, अच्छा फिर ये है भी जब हायर प्रायोरिटी वाला ही रन हो जाएगा, है ना, जब तक हायर प्रायोरिटी वाला कंप्लीट नहीं होएगा लो प्रायोरिटी वाले नू प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, तो इसलिए उन्हों देखने वास्ते भी हूँ आप थोड़ा जा लोअर प्रायोरिटी वाले नू कंट्रोल गेन करवाइए, उन्हें भी रन करवाइए, तो आप या तो उन्होंने हाई प्रायोरिटी वाले नू स्टॉप कर दे भी रन ना करे, है ना, तो या फिर उन्होंने स्लीप फॉर सम मिली सैकेंड्स, है ना, स्लीप तो भेजिए या उन्होंने वेट कॉल कर लिए मैथड। ओके तो वो की हैगा जिमें ये अपने किन्ने ने थ्रेड्स, 3 थ्रेड्स ने, पहले बीच जोड़ा हैगा i4 तक रन हो रहा हैगा, दू जे जरा वह भी 4 तक हो रहा हैगा, और सी भी जरा है 4 तक रन हो रहा हैगा। तो देखो ये जब आप पहला ए बी सी रन करते हैं तो अपने सी की प्रायोरिटी मैक्सिमम सैट करती, यानी 10 सैट करती, और बी की प्रायोरिटी आपने की कहते ए की गैट प्रायोरिटी, ए की गैट प्रायोरिटी कितनी हैगी है, पहला नॉर्मल होंगी हैगी है, वो हैगी 5 + 1 कितनी हो जूगी 6, है ना, तो वो सैट करती। दैन उस तो बाद ए दी प्रायोरिटी आपां मिनिमम यानी 1 सैट हो गई। उस तो बाद जब आपने ए थ्रैड स्टार्ट किया तो ए थ्रैड हले स्टार्ट होया ही सीगा, ते नाल दे नाल बी स्टार्ट हो गया, तो बी दी प्रायोरिटी ए नालों ज़्यादा होन करके पहला जे प्रिंट होया, जिमें जे 1 ते 2 प्रिंट होया सी स्टार्ट हो गया, तो उस तो बाद जरा हैगा सी दी हायर प्रायोरिटी होन करके मैक्स प्रायोरिटी होन करके वो सी दा यानी कि ए सब तो पहला प्रिंट होएगा, फिर उस तो बाद बी, फिर उस तो बाद ए दी वारी, क्योंकि ए सब तो लोअर प्रायोरिटी का चाहे वह जब सब तो पहला स्टार्ट होया हो गया होगी। तो यही थोड़ा पता ही है भी जिनी बार भी तुसी रन करके देख लो, ठीक है, वो आउटपुट डिफरेंट आती हैगी है। सिंक्रोनाइजेशन की होंगे, सिंक्रोनाइजेशन होंगे भी अगर एक मैथड है जिन्हों सारे थ्रेड्स यूज कर रहे हैं तो फिर एक वो सारे ही कॉल कर रहे हैं, तो कोई उन्होंने शेयर्ड वेरिएबल या वैल्यू है ना, तो की कहते ने कुछ दिक्कत आ जाती हैगी है भी आप कोई वेट च चला जाता है, कोई म्यूचुअल एक्सक्लूशन चला जाता है, तो इस करके आप सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पैंदी है। सो वी हैव सीन द थ्रेड्स दैट यूज देयर ओन डाटा, उन्होंने रन जे आपके डाटा के मैथड्स रन कर रहे हैं, वट हैपन्स वैन दे ट्राई टू यूज़ डाटा और मैथड जे आउटसाइड होंगे ने, यानी ऑन सर्टन ओकेजन्स कंप्लीट सेम फॉर द सेम रिसोर्स दे कंपीट, मतलब कंपीटिशन वो कहें भी प्रिंटर है, सपोज एक प्रिंटर है तो तीनों थ्रेड्स में चाहिए, है ना, तो यह अगे जाके एक सीरीयस प्रॉब्लम दैट लीड्स टू सीरीयस प्रॉब्लम, है ना। सो वन थ्रेड मे ट्राई टू रीड अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल वाई अदर इज ट्राई टू राइटिंग ऑन द सेम फाइल, जिमें एक रिसोर्स अपनी आप फाइल लैके चल रहे हैं, अगर एक टाइम तो एक हले थ्रैड